हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से मैथ का चार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ और इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि इसको कम समय में कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चंस है कि यदि किसी संख्या में 24 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 60% बढ़ जाती है, मूल संख्या का 125% कितना होगा। देखिए क्या है, वो बोला है कि कोई संख्या है, अगर उसमें 24 जोड़ते हैं तो 60% बढ़ जाती है। मतलब 24 जोड़ने पर ही कितना बढ़ता है, 60%। तो हम लिख सकते हैं 60% इक्वल टू कितना, 24। ठीक है, आपको निकालना है कितना, 125%। तो उसका 125% कितना होगा। देखिए 60% 24 है तो 125% कितना होगा, 24/60 गुने 125 कर दीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 6 से करेंगे 6 6 24, 6 से 10 बार में, ठीक है। और यहाँ से 5 से 5 दूनी 10 और इसको 25 कर लीजिए और 2 से ये 4 कट जाएगा, तो 25 × 2 कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या के क्रमशः 20% तथा 50% हो तो द्वितीय संख्या के सापेक्ष पहली वाली संख्या का प्रतिशत होगा। देखिए तीन संख्या है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा। बोला है कि दो संख्या जो है वो तीसरी का 20% और 50% है। मान लेते हैं तीसरी संख्या 100 है तो पहली कितना हो जाएगा, इसका 20%, 100 का 20% 20, उसी तरह 100 का 50% 50, ये दूसरी संख्या है। तो आपको बोला है कि पहली वाली संख्या का प्रतिशत निकालना है, तो पहली वाली संख्या कितना है, 20, किसके सापेक्ष, तो दूसरी वाली के सापेक्ष, तो नीचे 50 लिख देंगे और गुने कर देंगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए गुना कितना करते हैं, 100, तो 50 ये कट हो जाएगा दो बार में और 20 × 2 कितना हो जाएगा, 40% इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरह से इसको ट्रिकी वे में सभी को बनाते चलना है। देखिए ट्रिक आप सीख लीजिए तो क्वेश्चंस आपसे सब बन जाएगा। क्वेश्चंस है कि एक खंभे की परछाई 15 मीटर है। देखिए एक खंभा है, उसका परछाई कितना है, 15 मीटर, ठीक है। तो खंभे की लंबाई 6 मीटर, इस खंभे का लंबाई कितना है, 6 मीटर, ठीक है। अब लिखा है उस खंभे की कितनी लंबाई होगी, कोई एक और खंभा है उसकी लंबाई कितनी होगी जिसकी परछाई 25 है। देखिए कोई एक और खंभा है उसका परछाई कितना है, 25, तो उसका लंबाई कितना होगा, तो इस दोनों में रिलेशन आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस खंभे का लंबाई लिखिए कितना है, 6, और इसका परछाई लिखिए कितना है, 15, 6/15 लिख लिए, उसी तरह इसको इक्वल कर दीजिए। इस खंभे का लंबाई लिखिए कितना है, एल, जो कि निकालना है, और इस खंभे का परछाई लिखिए कितना है, 25, बस इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। तो एल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 × 25 और बटे में 15, ठीक है, 5 से 1 5 या 15 और 5 6 25, 3 से 3 6, मतलब कितना आ जाएगा, 10 मीटर इस खंभे का क्या होगा, लंबाई होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग तथा एक आयत के क्षेत्रफल समान है, ठीक है। पहले देखिए एक वर्ग बनाते हैं, ये आपका एक वर्ग है और एक आपका आयत है, इसका क्षेत्रफल समान है, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद लिखा है उनके परिमाप में 5 मीटर का अंतर है, ठीक है। अब लिखा है तथा आयत के एक भुजा की लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। देखिए वर्ग की भुजा मान लेते हैं ये एक्स है और आप जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग की भुजा एक्स है तो आयत का एक भुजा जो है वर्ग का 2 गुना है, मतलब मान लेते हैं ये आपका 2x है, ये जो लंबाई है वर्ग की एक भुजा का क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ये एक्स है तो ये कितना हो गया, 2x, तो ये भी 2x होता है आपको पता है। और इसको मान लेते हैं ब्रेथ बी है, मतलब चौड़ाई, और ये भी कितना है, b, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चंस क्या है, शुरू में देखिए कि वर्ग का जो वर्ग तथा आयत का क्षेत्रफल क्या है, समान है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2x × b, एल इंटू बी होता है तो 2x × b। यहाँ से देखिए 2x है, यहाँ पर 1x कट जाएगा, ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो गया,
दो बी, इतना पता चल गया। अब लिखा है उनके परिमाप में 5 मीटर का अंतर है। उसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, जितना भुजा है उसका लंबाई का जोड़ परिमाप होता है। इसमें देखिए आयत में ये 2x है नीचे और 2x ऊपर, कितना हो गया 4x, ठीक है, और इधर भी, ठीक है, और इधर भी बी, कितना हो गया 2b प्लस 2b, तो ये इसका परिमाप हो गया। जितने भुजा से वो घिरा होता है उसको जोड़ दीजिए, वो उसका परिमाप कहलाता है, पेरीमीटर, ठीक है। और डिफ्रेंस किसका, तो इसका वर्ग का, कितना है हो जाएगा इसका 4x है तो ये 4x, दोनों का जो अंतर है वो कितना है 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2b का लंबाई कितना है x, तो इस 2b की जगह क्या रख देंगे x, ठीक है। तो ये देखिए 4x यहाँ पे पहले प्लस में और यहाँ पे माइनस में कट गया, और ये बचा 2b, और 2b की जगह क्या रख देंगे x, x इक्वल टू क्या बना 5। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आयत की चौड़ाई क्या होगी, आयत की चौड़ाई कितना है b, ठीक है, और x आया है 5। देखिए b आपको यहाँ पे दिखता होगा x में रिलेशन के साथ क्या है, x इक्वल टू 2b है, ठीक है, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा x बाय 2 होगा, ठीक है, और x कितना है 5, तो 5/2 हो जाएगा आंसर, यानी कि b कितना हो जाएगा x/2, x का वैल्यू कितना है 5, तो 5/2, 5/2 कितना होता है 2.5 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको ट्रिकी वे में बनाना है। ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चंस, इसका मैंने आपको ट्रिक बताया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से ज़रूर बताइए। इसी टाइप का बहुत सारा वीडियो आपका ट्रिक्स का, मैथ ट्रिक्स का पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट में, आप उसको जाके जरूर से ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू।